जोगी मोदी के मत लिया नहीं क्यों हमको अगुआ देखना है, जोगी मोदी को देखना है ना कि और किसी को देखना है। हाँ जोगी मोदी को देखना है। बताओ 370 धारा, 3 तलाक, राम मंदिर मुद्दा, मंदिर बनवा दिए भैया। अरे मंदिर से हमारा पेट भरेगा कि हम कमाएंगे तब पेट भरेगा? हमारा स्टे ही नहीं रहेगा तो हम पूजा किसकी करेंगे? नहीं भरेगा पूजा का आतंक किसकी करेंगे? कुछ नहीं होगा। माहौल चुनावी है, यात्रा पहुंच चुकी है मऊ में। क्या चाचा, सबसे ज्यादा पूजा क्या चाचा, माहौल कहा हो घोसी में? के जीता तो दारा सिंह चौहान जीतेंगे। अरे वो तो सपा से उतर के चले आए भाजपा में। वो तो नेताओं की जो है ना कि क्वालिटी होती है, एमएमए डाट से और डाट कूदते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि बीजेपी में जो आएगा शरण में गिरेगा, बीजेपी उसको उठा लेती है। बीजेपी उठावत हो के जितावत है, यही तो जीती है जनता। घोसी का विकास हुई अब सुना 14 महीना पहले, सुनिए पहले बात सुनिए, पहले बोलिए सुनिए, 14 महीना पहले हम लोग जिता करके बोलिए, 14 महीना पहले चुनाव इनके जीता के भेजल गई आ फिर आ गई ले, क्या ये जनता के बीच में कोई दूसरा चेहरा ना रहा कौनो बिरादरी का होके? 14 महीने के बाद आए हैं फिर वोट मांगने के लिए, किस मुंह से मांग रहे हैं बताइए? कौन सा काम कर दिए 14 महीने के अंदर इनको हम दे दें फिर जिता दे? अच्छा काम ना करे थे लगा था के जोगी जी की मोदी नहीं, यहाँ जोगी मोदी के मत लिया नहीं क्यों? हमको अगुआ देखना है, जोगी मोदी को देखना है ना कि और किसी को देखना है? हाँ जोगी मोदी को देखना है। बताओ के बाद कल्पनाथ राय के मर जाने के बाद घोसी में मऊ जिले में कितना विकास हुआ है? पुलिया का जो चुन्ना नहीं पुतवा पाए, सुनिए चुन्ना के बाद छोड़िए बोल रहे आप कौन सा विकास होगा बताइए? यदि ये लोग चुन्ना चाचा बतावा भाजपा का किए जैसे समर्थन में आप हैं? पहला 370 धारा, 3 तलाक, राम मंदिर मुद्दा, मंदिर बनवा दिए भैया। अरे मंदिर से हमारा पेट भरेगा कि हम कमाएंगे तब पेट भरेगा? हमारा स्टे ही नहीं रहेगा तो हम पूजा किसकी करेंगे? नहीं भरेगा पूजा का आतंक किसकी करेंगे? कुछ नहीं होगा। नहीं सुनिए, उस मंदिर के बन जाने से देश विदेश के कोने कोने से लोग आएंगे, और जो कि रेलवे को टिकट कटाएंगे, बस का टिकट कटाएंगे, वहाँ होटल पर रुकेंगे, और उनका पैसा जो कि सब जगह बढ़ जाएगा। मंदिर बनने से जनता में काम ही बताइए, खाली मंदिर वो बन जाएगा तो पेट में चलेगा हमारा भोजन? कि हम कमाएंगे तब बनेगा, हमको नौकरी चाहिए। तब आप ऐसा है कि सारे मंदिरों को गिरवा दें? मंदिर नहीं नहीं, सारे मंदिर को, राम मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था और रहेगा। बनवाने वाले वो चाहेंगे तो मंदिर बन जाएगा, आपके चाहने से नहीं कुछ होता है। आप कर्म नहीं करेंगे तो एक दाना नहीं मिलेगा। कर्म करने आए हैं, कौन सा कर्म किए कि 14 महीना में इनको वोट दे दिया जाएगा बताइए ना? कौन सा कर्म कर दिए कि हम इनको वोट दे दें? इनको जिनको आप कह रहे हैं उनको भाजपा को से संबंधित है, व्यक्ति से मतलब नहीं है। पार्टी है चाचा का मतलब हो कि अगर भाजपा के विधायक रहे तो बहुत तेजी से विकास हो। न तेजी से विकास हुआ, भाजपा से निकल आए सपा में, सपा से निकल गए भाजपा में, यही चेहरा है, यही मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। क्वालिटी है, क्वालिटी है कि इस दल में से उस दल में, उस दल में से उस, लेकिन दल को काम करता है। प्रकाश राजभर जब भाजपा से गए हैं, सुनिए प्रकाश राजभर जब भाजपा से गए हैं, मौर्या बिरादरी में कोई टिकट लेने वाला नहीं था बोलिए? कोई हरिजन बस्ती नहीं ले सकती, कोई मुसलमान नहीं जीत सकता था? व्यक्ति को टिकट मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। हाँ कहा लग रहा है कि माहौल जो है एकदम चुनावी है और तड़का है। ये बताइए जब ओम प्रकाश राजभर सपा छोड़ के, भाजपा छोड़ के सपा में गए रहे तब तो बड़ा भवाई किए ना, अब तो यादवों को टारगेट कर रहे हैं कि बुद्धि 12 बजे करेंगे। यही यही उन लोग का चाले है, इन लोग का राजनीति अब खत्म हो जाएगी, इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, अब रहेगी नहीं। हाँ खत्म हो जाएगी। क्या लग रहा है चुनाव में एकदम घोसी से कौन चलेगा? घोसी से भैया जो जीतने वाला वो जीत गया है, ये तो खाली माहौल अब देख लीजिए आप लोग, और जीतेगा तो बहुत अच्छे लीड करके जीतेगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। निश्चित घोसी की जनता है लगातार जो है
अपने अपने पक्ष रख रही है। आने वाले समय पता चलेगा कि कौन जो है यहाँ से विधायक चुना जाता है।